हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्राई डबल ओटेक, ट्राई ओटेक ना मत भूलेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग के सीक्रेट्स। कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो लोग पेड वीडियोस में बताते हैं, मैं वो सभी सीक्रेट्स आपको फ्री में बता रहा हूं। मेरा सिर्फ यही मकसद है अपनी जिंदगी का और अपनी लाइफ का कि कोई भी बंदा जॉब ना करे, मतलब किसी के अंडर एक बंधुआ मजदूर बन के काम ना करे, क्योंकि आई हेट जॉब्स। इसी के चलते मैं आप सबके लिए ऐसे कुछ सीक्रेट्स लेके आया हूं। मैं चाहता हूं हर बंदा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हर बंदा अपने इतना हो और खुद से ही कुछ कमा पाए और अर्निंग कर पाए, अपनी जिंदगी को इजीली चला पाए। सो फ्रेंड्स, उसी के चलते ये वीडियो मैं लेके आया हूं और इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, अगर आप चाह रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग करना और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी वेबसाइट का नाम कैसे चूज करें जो कि सर्च इंजन में भी इजिली रैंक हो जाए, और किस तरीके की वेबसाइट चूज करनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करते वक्त, तो वो सभी डिटेल्स मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है, हमको अगर अपना नाम सोचना है कि हमें कौन सा नाम रखना है अपनी वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट का नाम क्या होगा, जिसकी वजह से अगर हम सिर्फ उस पर सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उस पर रिव्यूज़ डालना चाहते हैं ताकि लोग हमारी वेबसाइट पर आएँ और SEO के मामले से भी वो वेबसाइट हमारी अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेज व्यूज़ हों और हमारी वेबसाइट पर जो रोज़ का ट्राफिक हो वो भी अच्छा खासा ट्राफिक हमें मिले, तो कौन से ऐसे नाम होते हैं, कौन से ऐसे नीश होते हैं जो हमको सिलेक्ट करने हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप Amazon एफिलिएट करना चाहते हैं, Amazon जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो Amazon ही होता है, Amazon से हर बंदा स्टार्ट करता है, यहां से अर्निंग करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो फिर वो फिर कमीशन जंक्शन, JVZoo और भी ऐसे बहुत सारे जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनको ज्वाइन करता है और वहां से अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप Amazon एफिलिएट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको Amazon में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर आप जैसे ही टाइप करोगे तो नीचे आपको दिख जाएगा बेस्ट सेलर। क्या बेस्ट सेलर आपको किस में चाहिए, आप बुक्स में चाहते हैं, आप मोबाइल फ़ोन में, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके बेस्ट सेलर चूज़ करिए। जो भी बेस्ट सेलर हो ना यहाँ पे बुक्स में, होम किचन, मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो हेल्थ केयर में जाइए या फिर आप होम एंड किचन में जाइए। और फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके टाइप करना है बेस्ट सेलर्स इन होम एंड किचन। अगर आप मतलब आप कोई भी नीश चूज़ कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा होम्स एंड किचन्स में जाइए, क्योंकि इसमें आपको पूरा 10% का मार्जिन यहाँ पे मिलता है और बहुत ही बेनिफिशियल रहता है आप सबके लिए। और जो भी बेस्ट सेलर आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे उनको आपको चूज़ करना है, उनको चूज़ करना है। और ये ध्यान रखना कि आप जो भी जिस भी आइटम को चूज़ कर रहे हैं या फिर जिस भी प्रोडक्ट को यहाँ से चूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस मिनिमम 1000 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। 1000 से कम होगा तो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, आपको उसको 1000 से ऊपर वाला प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया नीश आपको यहाँ पर मिल गया है, सबसे बेस्ट होम्स एंड किचन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब अगर आप सोचें, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है जिस पे आप होम्स एंड किचन के रिव्यूज़ डालते हैं, सो अभी सपोज़ किसी को एक कोई इंडक्शन ख़रीदना है, वो सर्च कर रहा है इंटरनेट पे हाउ टू बाय इंडक्शन, और उसके अगर सर्च टर्म है कि बेस्ट चीपेस्ट इंडक्शन रिव्यू या फिर जो भी इस तरीके का कोई वो कीवर्ड यूज़ कर रहा है, तो उस कीवर्ड का मतलब ये है कि वो जो बायर है वो बाइंग मोड में है, वो सर्चिंग मोड में नहीं है, वो बाय करना चाहता है उस प्रोडक्ट को, उसको ख़रीदना चाहता है, वो क्यूरियस है, वो ढूंढ रहा है ऐसे रिव्यूज़ कुछ ऐसी वेबसाइट पर जहाँ पर उसको मिल पाए, या तो Amazon पर ही कुछ रिव्यूज़ मिल जाते हैं, नहीं तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर रिव्यूज़ मिल पाए जो भी प्रोडक्ट वो सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप बंदा कोई सर्च कर रहा है, कोई भी चीज़ डिमांड में है, आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा आपकी वेबसाइट पे लैंड करे और आपकी जो आपने उस प्रोडक्ट का रिव्यू डाला है उसको देखे, पढ़ने के बाद अगर आपने नीचे लिंक दिया हुआ है एफिलिएट लिंक, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके Amazon लिंक पे क्लिक करके Amazon पे जाएगा और उस चीज़ को बाय करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा सिर्फ अगर इंडक्शन बाय कर रहा है तो इंडक्शन का ही कमीशन आपको मिलेगा, वो कोई भी चीज़ वहाँ पे बाय करेगा उसका भी कमीशन आपको यहाँ पे ऐड ऑन होगा। ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है Amazon एफिलिएट का। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज़ करिए और अपना नीश, जो भी आप टॉपिक ढूंढ रहे हैं ना कि किस नीश में हमको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो ये नीश मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट नीश है अगर आप देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट मिल गया कि आपको जैसे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या फिर आपको एक नीश सिलेक्ट करना है जिसमें आप उसको प्रमोट कर सके। तो आपने जैसे मैंने आपको बताया इस प्रोडक्ट को खोल लेते हैं, मैंने खोल के रखा है आप सबके लिए पहले से ही। तो ये है प्रेस्टीज का एक 1200 वॉट का इंडक्शन कुक टॉप, जो कि इसके ऊपर अगर कोई बंदा मतलब सर्च करेगा तो ये खाना बनाने के काम आता है, आई थिंक आप सब इसको जानते होंगे। तो
ये एक आपको प्रोडक्ट मिल गया जिसको अगर आपको प्रमोट करना है, सिर्फ आप अगर सिर्फ कमाना चाहते हो ना, तो एक तरीका आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ इसी प्रोडक्ट की वेबसाइट बना लो। मतलब इंडक्शन, इंडक्शन जो चीज़ है ना, इंडक्शन एक कीवर्ड है, इसी के ऊपर अगर आप वेबसाइट बिल्ड करते हो, इस कीवर्ड को लेके अपने डोमेन नेम में यूज़ करते हो, तो मे बी आपके चांसेस ज़्यादा है। या फिर आप इंडक्शन कुक टॉप ले सकते हो, इंडक्शन कुक टॉप आपकी अगर डोमेन नेम में होगा तो आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं आप खुद सोच सकते हो, सुपर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको सर्च करना है कि किस तरीके के कीवर्ड डिमांड में है, किस तरीके के कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप गूगल प्लानर में जाइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर डालिए। अगर आप कोई जैसे किचन अप्लायंसेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसके रिव्यूज़ की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उस पर आप प्रॉपर कंटेंट डाल रहे हैं, उस पर रेगुलर कंटेंट अपडेट करना चाहते हैं, तो जाके आप गूगल प्लानर में जाके टाइप करिए किचन अप्लायंसेस, उसके बाद फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपना कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग, जो भी बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे आप सब स्क्रीन पे देख रहे हो, तो कोई भी कैटेगरी जो आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे टारगेट कंट्री सेट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में आपको चाहिए, कि अगर इंडिया में ये लोग सर्च कर रहे हैं, आप अमेज़ॉन इंडिया पे काम कर रहे हो या फिर आप amazon.com पे काम कर रहे हो जो कि US में चलती है, तो उस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज है, सबके साथ इंग्लिश ही सूटेबल रहेगी। और आपको सेलेक्ट करना है सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन में वो आप चाहते हो कि लोग सर्च करते हैं, तो गूगल बेस्ट है, जो कि एवरग्रीन सर्च इंजन है। उसके बाद आपको क्या करना है, शो एवरेज मंथली सर्चेस, लास्ट 12 महीने की जो सर्च की हिस्ट्री है वो आपको दिखाएगा गूगल, ठीक है, नहीं तो उसको भी आप एडिट करना चाहते हो कि इस मंथ में कितने सर्च हुए हैं, उस हिसाब से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए गेट आइडियाज़ पे, जैसे ही आप गेट आइडियाज़ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे जो कि अगर आप सोच सकते हो कितना बेस्ट रहेगा आप सबके लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हो किचन अप्लायंसेस हम अपनी अगर वेबसाइट के नाम में यूज़ करते हैं तो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, सर्च कितने होते हैं, तो इसके सर्च होते हैं मिनिमम 100K से लेके 1 मिलियन तक, मतलब 1 लाख से लेके 10 लाख तक महीने में इसके सर्च होते हैं, 1 महीने में लोग 10 लाख तक इस कीवर्ड के बारे में सर्च करते हैं, जो कि है किचन अप्लायंसेस। तो अगर आप अप्लायंसेस स्टोर अपने कीवर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो उसके मंथली सर्च आते हैं 100 से 1000, जो कि लो है, बट आपका कंपटीशन इसमें कम होगा, जो यहाँ पे कंपटीशन दिखा रहा है ना ये सब कम होगा। जिस भी कीवर्ड का कंपटीशन लो है आप उसको उठा लीजिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड में, और उस पर आपके चांसेस ज़्यादा है रैंक होने के, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आप अपने जो वेबसाइट का नाम चूज़ कर रहे हैं वो इस सबसे रिलेटेड रहेगा तो आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और आप सबको पहले ही मैं आप सबको बता चुका हूँ कि जो सर्च से जो ट्रैफिक आता है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसमें वो बंदा अपने बाइंग मोड में रहता है, वो हमेशा चाहेगा कि उस प्रोडक्ट को बाय कर लूँ, तो यहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कितना ज़्यादा यहाँ से अर्न कर सकते हैं, बहुत तगड़ा मौका है आपके पास, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कीवर्ड अप्लायंसेस, तो अगर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं अप्लायंस, अगर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं अप्लायंसेस स्टोर्स, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम अप्लायंसेस स्टोर्स के लिए कोई अवेलेबल है कीवर्ड, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको जैसे आप सब सर्च करते हो ना, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा सबसे बेस्ट वेबसाइट जो कि hostgator.com है, hostgator पे आप जाइए, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करिए अपनी वेबसाइट का नाम। उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे डोमेन्स पे और रजिस्टर डोमेन पे क्लिक करिए। जैसे आप रजिस्टर डोमेन पे क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज आपके सामने ओपन होगा, इस वेब पेज पे आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, .com, .net, .org, .biz, .in, बहुत सारे यहाँ पे है ना। तो इस वेबसाइट का बेनिफिट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप GoDaddy पे जाते हैं, GoDaddy.com जैसे वेबसाइट है, तो उस पर आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाता है। तो सबसे बेस्ट वेबसाइट जो मैं यूज़ करता हूँ और मेरा इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस वेबसाइट के साथ, तो इसीलिए मैं आप सबको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, HostGator पे जाइए और यहाँ पे अपने कीवर्ड रिसर्च करिए और यहीं से भी अपने डोमेन को रजिस्टर करा लीजिए कि कोई और उस कीवर्ड को आपसे पहले रजिस्टर कराए उससे पहले, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको सर्च करना है कि आपका जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल है कि नहीं, तो आपको देखना है हमने क्या चूज़ किया था, कीवर्ड अप्लायंसेस स्टोर्स के नाम से अगर हमने चूज़ किया था, अप्लायंसेस स्टोर्स की कोई वेबसाइट हम बना रहे हैं तो उसका नाम अगर हम अप्लायंसेस स्टोर्स रखते हैं तो देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे हम डालेंगे अप्लायंसेस स्टोर्स,
ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं और देखिए ये जो कीवर्ड है ये हमको अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये कोई ऑलरेडी ले चुका है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंडक्शन, जैसे हम सब अगर इंडक्शन के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इंडक्शन यहाँ पे था, हमने क्या देखा था, इंडक्शन कुक टॉप। ओके, तो अगर हम सर्च करते हैं इंडक्शन कुक टॉप तो ये अवेलेबल है क्या? तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे ये सारे डोमेन्स अवेलेबल नहीं है, इस पे कोई और इस डोमेन को यूज़ करके उससे एफिलेट मार्केटिंग से अर्निंग कर रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे बताने का मकसद यही है, आप यहाँ से कीवर्ड चूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी कीवर्ड चूज करना चाहते हो उसको चूज कर लो और उसके नाम पर डोमेन नेम बुक करा लो। और ये भी ध्यान रखना कि उसकी जो कॉम्पिटिशन है वो लो होना चाहिए। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी ब्रांड के नाम को इन्फ्लुएंस मत करिएगा। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बताया प्रेस्टीज, प्रेस्टीज एक ब्रांड है, अगर आप प्रेस्टीज को भी अपने डोमेन नेम में यूज़ करोगे तो प्रेस्टीज की कंपनी आपकी वेबसाइट को बैन करवा देगी, हटा देगी। तो इसलिए किसी भी ब्रांड को इन्फेक्ट मत करिएगा, उनके नाम को अफेक्ट ना हो ऐसे कीवर्ड यूज़ करिएगा अगर आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आप सबको बताया, एक बार मैं आप सबको फिर से रिव्यू करा देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करना है या फिर कोई भी आप नीश सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप पर्टिकुलर एक नीश बेस्ड वेबसाइट बनाइए। अगर आप इंडक्शन के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं तो सिर्फ इंडक्शन के ऊपर ही वेबसाइट बनाइए, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो रैंक होने की और आपको बहुत ज़्यादा जेनरिक ट्रैफिक वहाँ से मिलेगा। आपको कोई प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पेड एडवर्टीजमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जेनरिक ट्रैफिक यहाँ से मिलेगा। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो वो 1000 से ऊपर हो, उसका जो प्राइस वैल्यू हो 1000 से कम ना हो। अगर 1000 से कम होगा तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं मिल पाएंगे। आपकी वेबसाइट जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे वो सर्च इंजन्स में रैंक होती जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा एफिलेट के चांसेस होते हैं कि आप बहुत यार बहुत ज़्यादा अर्न कर पाओगे यहाँ से। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी ट्रिक थी, बहुत ही स्टार्टिंग ट्रिक थी जो कि हर एफिलेट मार्केटर को पता होना चाहिए अगर वो स्टार्ट कर रहा है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट को बिल्ड करिए, उसका डोमेन नेम रजिस्टर करिए। क्योंकि डोमेन नेम रजिस्टर कर लेंगे तो होएगा पॉसिबिलिटी ये होगी कि कोई और आपका डोमेन नेम नहीं ले पाएगा, उससे पहले आप अपने डोमेन नेम को खरीद लीजिए। और एक छोटा सा टूल मैं आप सबको बताना चाहता हूं जाते जाते कि अगर आप ये सब चाहते हो कि अमेजोन पे कितने सर्च होते हैं उसको डिटेल में जानना और पर मंथ उसके हिसाब से अगर आपको नीश सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको एक टूल सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है कीवर्ड टूल, keywordtool.io। आप इंटरनेट पे डालिएगा keywordtool.io तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि यूट्यूब पे कितने सर्चेज होते हैं और बिंग पे, अमेजोन, पर्टिकुलर अमेजोन पे कितने सर्च होते हैं। तो ये वेबसाइट एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग आप सबके लिए काम करके देगी, आपको बताएगी कि अमेजोन पे किस प्रोडक्ट को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसके सर्च टर्म कितने हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैं ट्रिमर, अगर आप चाहते हैं कि ट्रिमर के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं ट्रिमर्स, तो ट्रिमर्स और टारगेट इंडिया सेट कर दीजिए अगर आप इंडिया में डील करना चाहते हैं, और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ये आपको कुछ ऐसे दिखाएगा कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं, किस किस कीवर्ड को आप अपनी वेबसाइट के नाम में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये एक तरह से छोटा सा पेड टूल है, मतलब आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है मंथली $68 का होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कीवर्ड प्लानर ही यूज़ करिए क्योंकि इसमें आपको पर्टिकुलर अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग में नहीं मिल पाता कि अमेजोन पर कितना सर्च हो रहा है। और इस वेबसाइट पर आपको डिटेल में पूरा बताया जाता है कि अमेजोन पर कितना सर्च हो रहा है, आप इसके सर्च वॉल्यूम देख पाएंगे कि इस मंथ में इस कीवर्ड को कितना सर्च किया गया। तो जिस भी कीवर्ड को ज्यादा सर्च किया जा रहा है और उसका अगर डोमेन नेम अवेलेबल है तो जाइए उसको बाय कर लीजिए और उसके बाद अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर लीजिए और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई होप आप सबको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लगा हो कि ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और फ्यूचर में भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि नहीं। आपका जो भी रिस्पांस होगा उसी हिसाब से मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा अपने फ्यूचर में। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए और किस तरीके की वीडियोस चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स है नीचे बिंदास लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं अपने फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हां, एक बात और, अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, टेक केयर, गुड बाय।